सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग थोड़ा कनेक्टिविटी का कुछ इशू था शायद आई थिंक चलिए सो आई थिंक वॉइस क्लियर है एक बार क्लियर हो आवाज़ तो ज़रा बता दीजिएगा मुझे प्लीज़ सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू हेलो एवरीवन हेलो जेपी पी यादव उत्तरायणी आयशा मेघा रन तानिया मेघा हैरी अनु आकांक्षा कनिका प्रवीण जूही नितिन अमन गौतम लवप्रीत मोहित हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू हेलो विष्णु रिया संध्या एम स्क्वायर नवीन सौरभ सुलेखा कैसे हैं आप सभी लोग हेलो अनु कृष्णा हेलो सुमन तन्वी करिश्मा आशा सौरभ शिवा सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन और आज जो हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं एटलस हो तो बहुत ही अच्छी बात है चीज़ें आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली हैं चलिए बिल्कुल बिल्कुल सबको सबको भैया सबको हेलो एवरी जो जल्दी हैं जो लेट हैं जो मेरे साथ हैं सब चलिए तो आज से जो है इनफैक्ट हम लोग लास्ट क्लास में साउथ अमेरिका यूरोपियन आ, रीजन्स और अफ्रीका तीन कॉन्टिनेंट इस मंथ में हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं अच्छे से ठीक है बिल्कुल तो आगे बढ़ते हैं आगे समझते हैं कि आगे जो है किस तरह से लर्निंग और भी बेस्ट बनानी है हमें ओके सो so, उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है तीन नए मेगा बैचेस आप लोग के शुरू हो रहे हैं ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ जुलाई से ट्वेंटी ऑफ जुलाई से ठीक है बिल्कुल यूपीएससी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए और हमेशा की तरह पैटर्न इनका जो होगा वो होगा बाइलिंगल पैटर्न हिंदी और इंग्लिश जो भी जिस पैटर्न में आप पढ़ना चाह रहे हैं और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरे इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें यदि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो बिल्कुल इससे आपको मिलेगा एस यू डी सुदर्शन से एस यू डी है ये वाई टी टेन इससे मिलेगा आपको टेन परसेंट ऑफ ठीक है चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एटलस ओपन हो गई हो और एटलस में आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स कौन सा वाला तो कॉन्टिनेंट आज हम लोग शुरू करेंगे एशिया एशिया से कहानी की जो है शुरुआत होने वाली है सो लेट स्टार्ट विद एशिया ठीक है? जी हाँ, सर, बिल्कुल। नमस्ते, टू एवरीवन गुड इवनिंग चलिए तो एटलास्ट आई थिंक ओपन हो गई होगी सभी लर्नर्स की अब तक और मैं जो है शुरू करने वाला हूं अब एशिया से मैं पहले बता देता हूँ आपको एशिया वाला जोन जो है ये देखो एशिया को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका इंडिया को देखो एशिया को पहचानो क्योंकि हमें मालूम है कि जो इंडिया है ये जो दिखाई दे रहा है हमें ये जो इंडिया दिखाई दे रहा है ये वाला जो रीजन है इससे कनेक्टेड तो आपको एशिया दिखाई देगा बिल्कुल सही बात है सर तो ये जो पूरा पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग दिस इंडोनेशियन पैटर्न ये जो है सब अपना हम लोग एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे देखो अब देखो पहले तो हम देख लेंगे कि ये दुनिया से कहाँ कहाँ अलग हो रहा है जो लर्नर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मेरे साथ उनको याद होगा कि मैंने यहाँ पर इस जोन में अफ्रीका के जोन में यहाँ पर देखना जरा मैं जूम कर देता हूँ अफ्रीका के क्षेत्रों में रेड सी वगैरह का रीजन हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है अब यहाँ से रेड सी से लगा के इधर पूरा जो है सऊदी अरब के रीजन को हम लोगों ने देखा ठीक है मतलब ये ये वाला पूरा मतलब एक तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो रेड सी और बावल मंडे वाली स्टेट मैंने आपको पढ़ाई थी ठीक है तो एक तो ये वाले रीजन हो गए आपके जहाँ से ये एशिया अलग हो जाएगा तो मैं एक लाइन बना देता हूँ आपके लिए तो आपको आसान मतलब हो जाएगा थोड़ा सा एक पॉइंट तो ये है दूसरा ये टर्की वाला पॉइंट है इधर ये ब्लैक सी से इधर ऊपर यूराल माउंटेंस ठीक है तो ये ऐसे जोन्स हैं जहाँ से आप कह सकते हो कि एशिया का सेपरेशन होगा यूरोप और अफ्रीका के साथ इधर तो हमें मतलब किससे है इधर जो है यूरोप और इधर अफ्रीका से मतलब है बस ठीक है क्योंकि तो यहीं से इसका कनेक्शन बनने वाला है चलो खैर ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो है ये पूरा एशिया दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को इधर पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में ये पूरा इंडोनेशिया वाला जो रीजन है ये पूरा बेल्ट ये भी हमारा एशिया में हो जाएगा ठीक है डन तो पहले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है एशिया का और वैसे भी इतने लर्नर्स हम लोग इतने समझदार हैं कि जब भी एटलस होगी तो अब जरा आप एटलस को ओपन किए होंगे तो इतना ही मैप आप आपको दिखाई दे रहा होगा एशिया में ये वाला हिस्सा है कि नहीं जो कलरफुल पैटर्न पे होगा ये वाला यहाँ से आप और देख लो भले आपको लगे तो इस तरह से ये 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 ऐसे ये, ये, ये।, ये तो हो गई सर कहानी मतलब इस क्षेत्र को हमें अच्छे से पढ़ना है ओके यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या चलिए अब ध्यान से सुनेंगे इस पूरे जोन को मैं कुछ चार हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा चार हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा मतलब क्या सर क्या कहना चाह रहे हैं इसमें इधर देखो ध्यान से सब लोग भैया एशिया को पढ़ना हो तो चार भागों में डिवाइड कर दो क्या है कोई चीज़ जब बड़ी होती है कठिन होती है जब समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसको कैसे कंप्लीट करें जैसे कि एशिया दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा रीजन है तो उस चीज़ को आप हमेशा थोड़े थोड़े हिस्से में कवर करें ये थ्योरी है डिवाइड एंड रूल वाली डिवाइड करो और राज करो इसके ऊपर मतलब तोड़ दो एशिया को और थोड़ा थोड़ा पढ़ो और एक साथ पूरा आपके सामने हो जाएगा ठीक है सो so, पहला पोर्शन हम सबसे पहला हिस्सा पढ़ेंगे इंडोनेशिया और ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया वाला मतलब हम लोग सब ये वाला रीजन जो है पहले कवर करने वाले ठीक है मतलब ये आपका कंबोडिया लाओस वियतनाम इंडोनेशिया फिलिपींस इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है फिर दूसरा हिस्सा इधर मंगोलिया कोरिया चाइना वगैरह के बारे में तीसरा जितना भी आपका ये स्थान है मतलब ये कज़ाकिस्तान उज्बेकिस्तान नज़ेबाइजान ये वाला जितना भी रीजन है ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ठीक है आ गई बात समझ में मतलब हम लोग जितना भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस पूरे रीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद आगे जैसे ही आप जाओगे तो ये फिर आपका जो सऊदी अरब है यमन यूएई ईरान ओमान ये वाला जो पूरा बेल्ट है इसको हम लोग कवर करने वाले कहने का मेरा मतलब है कि इन चार हिस्सों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात अब सभी लर्नर्स को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं आपको पहले वाला पार्ट बताऊँ तो आपको अपनी एटलस में यहाँ पे देख लेना है कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं इधर उधर नहीं ढूंढना है स्पेशली उन लर्नर्स के लिए मैं कह रहा हूं कि जहां पर अपने आप जो है पता नहीं लग पाता कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इस पहले वाले हिस्से में तो इस कॉर्नर पे हम लोग सबसे पहले फोकस करने वाले हैं ठीक है थीके? ये वाला जो कॉर्नर है चलिए लेट स्टार्ट शुरू करते हैं यहाँ पर तो ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा रीजन को है जूम कर दिया है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये ये देख लो ये आपके सामने यहाँ पर ये लाओस थाईलैंड कम्बोडिया ये वाला रीजन दिखाई दे रहा होगा ये पूरा आपका इंडोनेशिया वगैरह का रीजन है तो अब सबसे पहले आप तो मुझे बताएंगे कि इंडोनेशिया की जनरली जो हम कैपिटल पढ़ रहे थे अब तक जिसको आप क्या बोल रहे थे जकार्ता कह रहे थे आई थिंक याद होगा आप लोगों को बिल्कुल तो कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि न्यूज में भी था क्योंकि इंडोनेशिया जिस आइलैंड में है वो अपने आप में डूब में आ गया है डूब में आ गया मतलब एक तरह से डूबने लगा है वो मतलब सी ग्लोबल वाटर या ग्लोबल सी लेवल जब कंपेरेटिवली बढ़ने लगते हैं तो जो एरिया है जो आइलैंड रीजन है वो पानी में आने लगा ये जैसे जावा जावा आइलैंड दिखाई दे रहा होगा आप लोग जकार्ता यहीं थी इसकी लोकेशन बट अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है बोर्नियो में मतलब इसका जो कैपिटल है उसको हम लोग जनरली शिफ्ट कर रहे हैं मतलब ये कि अब जावा का जो रीजन है जहाँ पे लोग रह रहे थे वो कैपिटल रीजन बोर्नियो में ऊपर आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा ठीक है थीके? मतलब कहने का ये है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडोनेशिया में जो कुछ आइलैंड्स हैं जैसे एक जावा आइलैंड सबको दिखाई देगा प्लीज चेक कर लीजिएगा आई थिंक सबको दिखाई भी दे रहा होगा जावा आइलैंड जो मैं कह रहा हूँ सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है जी हाँ तो जावा के साथ साथ जो है आप लोगों को एक दूसरा आइलैंड जहाँ पे ये लोग जाने वाले हैं दैट इज बोर्नियो बी ओ आर एन ई ओ बोर्नियो आइलैंड को तैयार कर लेना है सबको दिखाई देगा ये आइलैंड भी तो ये बोर्नियो आइलैंड को जो है आपको ध्यान रखना है कि ये भी जो है किसका है इंडोनेशिया का नेक्स्ट जो काफी रैंडमली आप हमेशा सुनते रहते हैं दैट इज सुमांतरन करके जो है बिल्कुल ईस्ट काली मंथन यहाँ इन रीजन में उसको बनाने वाले हैं बोर्नियो वाले रीजन में ठीक है वो डेवलप होगा जबकि बातें हैं अब आपको सुमांतरा को याद रखना है सुमांतरा वाले रीजन में ठीक है तो ये जो है सुमांतरन रीजन को याद रखना है आपको सुमांतरन बेल्ट मतलब सुमात्रा का ये आईलैंड है तीन आइलैंड याद बोर्नियो का जो ईस्ट में आप जाओगे तो आपको एक आइलैंड और दिखाई देगा एंड दैट इज सेलेबिस आइलैंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेबिस आइलैंड को भी अपने को याद रखना है ठीक है सेलेबिस के बाद आप जैसे ही जरा जावा के पड़ोस में जाओगे ईस्टर्न साइड पे तो आपको एक आ, मिलेगा बाली आइलैंड बाली देखो जरा ध्यान से मिलेगा वो बाली आइलैंड तो कहने का मतलब आज के बाद इंडोनेशिया का जैसे ही नाम याद आ जाए तो सुमंत्रा आइलैंड याद रखना है जावा पढ़ लेना है बाली पढ़ लेना है बोर्नियो पढ़ लेना है सेलेबिस पढ़ लेना है और मॉर्निंग में दोपहर में जो साढ़े बारह बजे मेरी क्लास थी डेली जो होती है उसमें भी हमने आज सेलेबिस नाम का एक सी भी पढ़ा था याद हो आपको तो इन वर्ड्स को आपको याद रख लेना है ठीक है और अपने आप में इंडोनेशियन मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है ठीक है काफी अर्बनाइज पैटर्न है यहाँ पर भी जी हाँ बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं हम लोग आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप भूलिएगा नहीं कि जो है आ, कभी अचानक जो है आपसे पूछ ले कि बोर्नियो वर्ल्ड पूछ ले तो घबराने की आवश्यकता नहीं सर पड़ता है बोर्नियो सेलेबिस आता है मार्किंग हो रही है सब लोग की एटलस में साथ में बाली ना मिले तो याद रखिएगा बाली को आप फिजिकल मैप में देखोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको फिजिकल मैप में जल्दी समझ में आ जाएगा प्लीज चेक करें एक बार आपको मिल जाएगा जल्दी से बाली ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऊपर एक नॉर्थ में आप जाओगे तो एक कंट्री आपको दिखाई देगी यहां पर आएंगे आप फिलिपींस कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ कैपिटल याद रखनी है इसकी कुछ काम के माउंटेन्स हम लोग इसकी फिजियोग्राफी में पढ़ लेंगे फिलीपींस द कैपिटल इज मनीला जी हाँ सब पढ़ाऊँगा अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फिजियोग्राफी में सब पर्वत अर्वत सब याद हो जाएंगे डोंट वरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं सो फिलीपींस कैपिटल जो है मनीला याद रखना और थोड़ी बुद्धि तेज लगाओगे फिजिकल वाले मैप में जरा देखोगे ना तो यहाँ पे लुजोन करके आपको दिखाई देगा लुजोन आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है इसी के नाम से हम लोग स्ट्रेट भी पढ़ने वाले हैं ठीक है स्ट्रेट पढ़ेंगे डोंट वरी चिंता नहीं करना अपने को तो लुजोन को थोड़ा सा याद रखना आपको को पूछ ले आपसे तो किसका होगा वो लुजोन आइलैंड अपने आप में याद रखेंगे फिलिपींस का रहेगा ठीक है मनीला इज द कैपिटल आगे चलेंगे नेक्स्ट इधर ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम लोग ठीक है सब सब पढ़ाऊंगा भैया शर्मा जी टेंशन ना ले अब जरा इधर ध्यान देना है आपको फिलिपींस के नीचे अब इस डायग्राम में आपको जरा मैं मार्किंग कर दूं तो ज्यादा क्लियर होगा एक मलेशिया दिखाई दे रहा होगा जरा देखो आराम से मलेशिया दिखाई दे रहा होगा मेरे इस एटलस में और मलेशिया को सेंटर पॉइंट बना के दो एरोज दिखाई दे रहे होंगे एक ये दिखाई दे रहा है एक ये दिखाई दे रहा है एक ईस्ट मलेशिया होगा और एक वेस्ट मलेशिया दिखाई देगा आपको देखो जरा ध्यान से ठीक है देख पा रहे हैं आप मलेशिया का एक ईस्ट मलेशिया होगा और एक मलेशिया वेस्ट मलेशिया होगा जी हाँ वेस्ट मलेशिया क्या होगा जो वेस्ट साइड का होगा मतलब ये वाला जहां पे उसकी कैपिटल मिलेगी आपको क्वालमपुर और एक ईस्ट मलेशिया मतलब ये कि जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं एक बात ध्यान रख लें कि मलेशिया को एक जगह नहीं है मलेशिया दो जगह दिखाई देगा एक वेस्ट साइड दिखाई देगा एक ईस्ट साइड दिखाई देगा तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया और ईस्ट मलेशिया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वेस्ट मलेशिया होना चाहिए पश्चिम की ओर है बिल्कुल दूसरी बात आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडोनेशिया का आइलैंड ग्रुप है बोर्नियो बोर्नियो वो बौर्नियो कौन से मलेशिया को टच करता है ईस्ट या वेस्ट को तो वो भी आपको याद होना चाहिए तीसरी बात एक जो छोटा सा देश सिंगापुर आपको दिखाई देता है वहीं पर सिंगापुर अलग देश है वो यदि आपसे पूछ ले तो सिंगापुर किसके नजदीक मिलेगा आपको सिंगापुर जो मिलेगा वो एक तरह से आप कह सकते हो वेस्ट मलेशिया के साथ होगा या ईस्ट मलेशिया के साथ होगा तो वो अपने आप में किसके साथ होगा वेस्ट मलेशिया के साथ ठीक है तो so, सिंगापुर जो है किसके नजदीक होगा कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी देखनी पड़ेंगी तब जाके समझ में आएगा तो एक तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है कि क्वाला मतलब ये वेस्ट मलेशिया का पार्ट हो गया ठीक है और बोर्नियो जो है बोर्नियो वो ईस्ट मलेशिया का पार्ट हो गया सिंगापुर जो है वो वेस्ट मलेशिया के नज़दीक मिलेगा इन बातों में थोड़ा सा फोकस कर लेंगे आप दूसरी बात एक देश और दिखाई देगा देखो यहाँ पर सब लोग ब्रुनेई द कैपिटल इज बंदर सेरी बेगावन इधर देख लो जरा ध्यान से सब लोग ब्रुनेई बंदर सेरी बेगावन तो अब जरा बुद्धि लगा के आप सब लोग मुझे बताएंगे कि ये जो ब्रुनेई बंदर सेरी बेगावन दिखाई दे रहा है आपको ये किस हिस्से में है किस हिस्से में है मतलब ये जो कंट्री है वेस्ट मलेशिया से टच कर रही है या ईस्ट मलेशिया से टच कर रही है जरा बताएंगे जरा तेजी में जल्दी से फटाफट तो डेफिनेटली ये सर ईस्ट मलेशिया से टच कर रही है तो जितने क्वेश्चन मैंने मलेशिया के बताए ध्यान रखना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिना मैपिंग के सॉल्व नहीं हो सकता है ठीक है और जिनको सिंगापुर नहीं मिला है मैं जूम कर देता हूं और बता देता हूं भैया ये सिंगापुर यहां पर रहेगा मलेशिया और सिंगापुर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आगे ही बात समझ में यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी हां, हां। हालांकि और डिटेल में हम लोग देखें यदि हालांकि उस मैप में दिया नहीं है नहीं तो मैं आपको लोकेशन बताऊँ कि यदि सिंगापुर जो है आपका मलेशिया के साथ जो है यहाँ एक स्ट्रेट है स्ट्रेट है स्ट्रेट कैसे देखो मैं बताता हूँ ये आपका जो है ये मलेशिया हो गया मान लो मलेशिया कौन सा मान लीजिए ये हो गया आपका वेस्ट uh, मलेशिया और यहाँ पे जो छोटी सी टिप है ये सिंगापुर की है और इसके बीच में एक स्ट्रेट है द नेम ऑफ दैट स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ जोहर स्ट्रेट ऑफ जोहर याद रखेंगे आप तो स्ट्रेट ऑफ जोहर से वो अलग हो जा रहा है ठीक है चलो खैर कोई बात नहीं यहाँ तक समझ में आ गया हालांकि और मैं बता दूंगा मैपिंग में आपको ये सिंगापुर और मलेशिया मतलब दो अलग अलग, अलग देश हैं एक मत करना सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही रहेगी ठीक है चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ तक होने के बाद ये देखो सब अब ये मैप में आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा इसको यदि मैं जूम कर दूं थोड़ा सा तो आपको क्लियरली क्लियर होगा बिल्कुल कि जो ब्रुनई है जिसकी कैपिटल बंदर शेरी बेगावन है ईस्ट मलेशिया का पार्ट है नॉर्थ की इसमें वेस्ट का कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको ठीक है चलो यहाँ तक आई थिंक सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो प्लीज ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट इस भीड़ में आना है इनफैक्ट अभी तक मैंने कोई लैंडलॉक कंट्री का नाम लिया है क्या कोई भी लैंडलॉक देश का नाम लिया है तो बताइए मुझे नहीं इसका मतलब अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है लैंडलॉक के नाम से लैंडलॉक मतलब ऐसी कंट्री जो चारों ओर लैंडमास से लगी हुई हो इसका कोई भी संबंध अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ठीक है अब हम शुरू करने वाले पहली लैंडलॉक कंट्री जो आपके सामने दिखाई दे रही लाओ जरा देखना एटलस में सब लोग फटाफट तेजी में सब लोग देखेंगे जरा इधर देख लो जल्दी से लाओस लाओस लैंडलॉक है बिल्कुल अब लाओस जो है अपने आप में लैंडलॉक है तो कितने देशों से ये टच कर रहा होगा ज़रा बताओ जरा कितने देशों से टच कर रहा होगा फटा फटाफट पहला काम है इसको याद कर लेना क्योंकि एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होने वाला है आपका बिल्कुल अक्सर आपका जो है आता ही है कि कौन कौन इससे टच करेगा कौन नहीं करेगा इस बात को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिल्कुल सो so, लाहौस को अपने को याद रखना है कि लाहौस अपने आप में नो डाउट चाइना से टच करेगा नो डाउट म्यांमार से टच करेगा लेकिन नीचे की तीन कंट्री पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है एक है वियतनाम इधर देखो जरा ध्यान से, वियतनाम दिखाई देगा एक कंबोडिया दिखाई देगा एक थाईलैंड दिखाई देगा मैं रिपीट कर देता हूँ एक वियतनाम दिखाई देगा जी हाँ एक कंबोडिया दिखाई देगा एक थाईलैंड दिखाई देगा इधर म्यांमार दिखाई देगा ऊपर चाइना दिखाई देगा एक बार आप अपनी मैपिंग में देखो बाकी लर्नर जिनके पास एटल नहीं है वो यहाँ देख के याद करो लाहौ है मान लो तो ऊपर से जाएगा चाइना ठीक है इधर से आपका आ गया म्यांमार नीचे से आ गया आपका मान लीजिए एक आपका थाईलैंड ठीक है इधर से जो है आपका कम्बोडिया और इधर से जो आ गया वियतनाम एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी कॉपी में तब जाकर याद होगा ये फिर से एक बार और देख लो लाहौ है यदि है तो ऊपर नॉर्थ से जो आएगा वो क्या आएगा बताओ चाइना इधर से म्यांमार इधर से वियतनाम इधर से यहां से क्या आएगा इधर साउथ से कंबोडिया और कंबोडिया के बाद थाईलैंड पहला काम तो याद हो गया इसका मतलब कभी धोखे में कह दे कि लाओस शेयर्स इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश तब फिर क्या होगा हो गया जहर ये हो पाएगा ये समझ में आ गई बात जी हाँ क्योंकि बांग्लादेश काफी दूर है इतना तो अपने को समझ में आ ही गया यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन गाड़ी को यहाँ पर रोकना नहीं है बिल्कुल आगे चलना है दूसरी बात आधे लर्नर्स को यहाँ की कैपिटल में समस्या है मतलब याद ही नहीं होती यादों को तो लेकिन अब हम उनमें से नहीं आते हैं अब हमें जो है एकदम बिल्कुल रॉकेट बनना है ठीक है तो सिंपल है चाइना म्यांमार के आपसे पूछने से रहा वो नहीं पूछेगा मान लो पूछ भी लिया म्यांमार को थोड़ा सा थो 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 पढ़ लेना म्यांमार के कैपिटल जरा देख लो बर्मा वगैरह कुछ नहीं मिलेगी एक बार देख लो ना रंगून वंगून कुछ भी नहीं मिलने वाली जो मिलेगी नए लिखा होगा नई पैदा एक बार चेक कर लेंटलिस में नई पैदा द कैपिटल ऑफ म्यांमार ठीक है एक तो वियतनाम की कैपिटल देख लो वियतनाम की कैपिटल आपको क्या देखने को मिल रही है सो वियतनाम की कैपिटल आपको मिलेगी हनोई हनोई ये देखो ये हनोई दिखाई दे रहा होगा जूम कर देता हूँ और मैं वियतनाम का कैपिटल आपको याद रखना है हनोई याद रख लो दीवारों पे लिख दो ठीक है बहुत ज्यादा काम का ये इसके बाद कंबोडिया पे आ जाओ आप कंबोडिया पे जैसे आओगे तो कंबोडिया पे आपको मिलेगा नोम पे ठीक है कंबोडिया पे जो है याद रखिएगा नोम पे भूलना नहीं जी हां पे और थाईलैंड बैंकॉक कोई समस्या नहीं है अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लाओस को पढ़ने में लाओस की कैपिटल देखना वियन तियन लिखा है इधर देखेंगे ध्यान से लाओस की कैपिटल लिखा हुआ है वियन वियन तियन Vientian. किसकी कैपिटल लाओस नॉट वियतनाम वियतनाम इज सेपरेट कंट्री अलग देश है वियतनाम का जाएगा हनोई और लाओस का जाएगा वियंतियन ऐसे याद रखो ठीक है जी हाँ और कंबोडिया का तो बचा ही है अलग नॉम पे हो जाएगा चलो कोई समस्या वेरी गुड अब इसका मतलब यह है कि यदि चाइना तो पता लग गया इधर वियतनाम पता लग गया कि वियतनाम की खास बात याद रखना वियतनाम इज एसोसिएटेड विद हनोई लिखो इधर कम्बोडिया लिखो कम्बोडिया का संबंध किससे होगा कम्बोडिया का संबंध किससे रहेगा बताओ जल्दी बताओ फटाफट तेजी में नोमपे से होगा खुद लाओस का भी तो पढ़ लो वियन तियन होगा और नीचे इधर थाईलैंड बैंकॉक रहेगा इधर म्यांमार जो रहेगा वो क्या रहेगा जी हाँ बिल्कुल म्यांमार अपने आप में नई पैदा की तरफ आप जाओगे ठीक है अब ये तो जो है कोई समस्या नहीं है कन्फ्यूजन नेम क्यों रखा है वो भी इंडिया में आएंगे ना तो फिर कहेंगे कि ये भुवनेश्वर नाम ऐसा क्यों रखा कन्याकुमारी क्यों रखा त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम ठीक है विशाखापटनम ऐसा नाम क्यों रखा ठीक है हो जाता है मतलब क्षेत्र क्षेत्र पर डिपेंड करता है तो कुछ दिन तो जो है गुजारी है आप लाहौस में तो याद होगा आपको वियंतियन इज द कैपिटल ऑफ लाहौस चलो आगे चलते हैं ताइवान ताइवान जो है ताइपे जिसकी कैपिटल अपने आप में ऑटोनोमस रीजन है हालांकि चाइना के अंडर में ही है ये तो ताइपे इसकी राजधानी बोलते हैं हम लोग खैर कोई बात नहीं चाइना कैपिटल इज बीजिंग चाइना के बारे में क्या ही पढ़े कुछ चीजें फिजियोग्राफी वाली काम की है वो अपन सब पढ़ लेंगे डोंट वरी चिंता मत करो अभी से पता आपने को चाइना कहाँ है वाहन वाहन तो वैसे भी हम पढ़ेंगे जब रिवर पढ़ेंगे तब ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब जैसे ही हम लोग आगे जाए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हम इधर जाएंगे सर इधर ये अपने जापान की तरफ बढ़ते हैं है ना तो जरा जापान का मैप ओपन कर लीजिए आप तेजी में फटाफट जापान का जो है मैप आप ओपन कर लीजिएगा बिल्कुल जापान को जब आप देखते हो सर तो जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो जापान को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वो कुछ आइलैंड्स में दिखाई देता है ऐसे टूटे टूटे आइलैंड्स में है ना बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप चलिए जूम कर देते हैं सर थोड़ा सा कर रहा हूं चिंता मत करो चार आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक हाँ सिंगापुर का वही रहेगा सिंगापुर भले ही कमेंट में मत लिखो लेकिन बुद्धि में चलाओ दिमाग में चलनी चाहिए ये बात जो तो चर्चा चल रही है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे ये बताओगे कि जापान के आपको चार आइलैंड दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले जरा शुरू करो नॉर्थ से होकाइडो दिखाई देगा आपको एक होकाइडो के बाद एक आपको होंशु दिखाई देगा होंशु के बाद आपको एक शिकोकू दिखाई देगा और शिकोकू के बाद आपको एक दिखाई देगा क्यूशू कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको होकाइडो होंशु, शिकोकू क्यूशू चार अलग-अलग आइलैंड्स दिखाई देंगे देख लो लिख लो जरा एक-एक बार जल्दी एच ओ डबल के ए आई डी ओ एच ओ एन एस एच यू शिकोकू क्यूशू डन अब इस पूरी बुद्धि में इसमें मतलब जो है बड़ी तेज बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन आएगा इनका नॉर्थ से साउथ का अरेंजमेंट उत्तर से दक्षिण का अरेंजमेंट जरा लिख के बता दो तेजी में सभी लर्नर्स मुझे एक बार फटाफट कि सर होकाइडू है होकाइडो के बाद क्या आ जाएगा हन्शु आ जाएगा हन्शु के बाद क्या जाएगा शिकोकू आ जाएगा शिकोकू के बाद, बाद क्यूशू आ जाएगा ठीक है कोई समस्या तो नहीं आता क्या बोला मैंने आपसे कि आप एक होकाइडो याद रखेंगे होन्शु याद रखें शिकोकू याद रखें क्यूशू रखें किसके अकॉर्डिंग नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ भी पूछ ले कोई बात नहीं सब पता है सब रट के आए आज तो क्यूसु शिकोकू हंसू और हुईडू कोई समस्या यहां तक बिल्कुल तो अपने को जो है याद रखना है ये चीजें अब यहां तक तो सर आपको समझ में आई गया कि जो है क्या चल रहा है ये सब हुईडू हंसु शिकोकु क्यूशु अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन एरिया वाइज भी तो आ सकता है क्षेत्रफल के आधार पर तो जरा देखना एरिया वाइज कौन सबसे बड़ा और कौन सा छोटा दिख रहा है तो बिल्कुल क्लियरली अपनी आंखों से आप देख सकते हैं कि होन्शु सबसे बड़ा है होन्शु के बाद होकायडू नाम आएगा हुकयडू के बाद क्यूश आएगा और सबसे छोटा आएगा शिकोकू सबसे छोटा जो आएगा वो शिकोकू आएगा शिकोकू आपको देखने को मिलेगा मतलब ये कि एरिया वाइज भी वो बोल दे तो याद रखना भूलना मत मोन्शू होकाइडो क्यूशू और शिकोकू ठीक है भूलोगे तो नहीं डन याद हो गया सबको इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ध्यान से सुनेंगे कोई बोले वो नॉर्थ से साउथ रट लेना साउथ से नॉर्थ रट लेना एरिया वाइज बिल्कुल याद कर लेना अकॉर्डिंग टू एरिया कभी बोले असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा दीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले कौन आएगा बढ़ते क्रम पूछ रहा मतलब सबसे पहले कौन आएगा बढ़ते क्रम की यदि वो बात करे तो सबसे पहले कौन आएगा सबसे छोटा आएगा तभी तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में तो आंसर विल बी शिकोकू डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले कौन आएगा सबसे पहले क्या होन्शु आएगा सबसे पहले होन्शु आएगा सबसे पहले ठीक डन कोई दिक्कत यहां तक चलो यहां तक तो आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को कि चल क्या रहा है जीवन में वेरी गुड दूसरी बात एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि सर जो आप जापान का कैपिटल बोलते हो कि टोक्यो है टोक्यो है टोक्यो है तो वो किस आइलैंड का पार्ट है कौन बताएगा तो ये वाला जो हमारा आइलैंड है वो सेकंड वाला आइलैंड कौन सा था तो जनरली हमें मालूम है सर सेकंड वाला आइलैंड हमारा होन्शू था तो नो no डाउट ये टोक्यो हो चाहे नगोया हो चाहे ओसाका हो चाहे हिरोशिमा हो हिरोशिमा हो ये सब जो पार्ट होंगे आपके किसके होंगे ये अपने हंसु पैटर्न पे जाएंगे ठीक है जी हाँ इतने शहरों के नाम भी कभी पूछ ले वो याद रखना भूलना मत लेकिन इसमें यदि वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ध्यान से सुनना प्लीज ध्यान सुनेंगे ये जो कोरिया दिखाई दे रहा है आपको एक दूसरा देश आपको इधर दिखाई देगा ठीक है ध्यान सुनिएगा कोरिया तो भूलना मत कोरिया से नजदीक में कौन सा आइलैंड है मतलब ये ये आखिरी वाला आइलैंड को अपने को याद रखना है कोरिया कोरिया से कनेक्शन बनाने वाला जी हाँ तो कोरिया से जो कनेक्शन बनाएगा वो क्या रहेगा आपका क्यूशू रहेगा उसको मत भूलना ठीक है तो क्यूसू और कोरिया ये अभी स्ट्रेट जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा आपको कि यहाँ पे इसका ये कनेक्शन है ठीक है बाकी कोरिया की तो कैपिटल आप याद कर लो बस बहुत है क्या है कोरिया कैपिटल पता है अपने को दोनों कोरिया दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग साउथ कोरिया में एस फॉर साउथ कोरिया एस फॉर सीओल ऐसे याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा याद ये भी चलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक जी हाँ अच्छा हिरोशिमा जब आप पढ़ते हो तो नागासाकी भी तो आता होगा दिमाग में आपके हाँ सर हम पूछने वाले थे हमने सोचा कि सर खुद ही बता देंगे नागासाकी भी आता है तो नागासाकी को आप इसमें होंशु में मत काउंट कर लेना नागासाकी कहाँ मिलेगा देखो दरादी उसमें हो तो क्यूशू में दिखाई देगा वो क्यूशू में जी हाँ तो नागा को थोड़ा सा देख लेना क्यूशू को याद रखेंगे आप ठीक तो है जी हाँ नागा बिल्कुल यहाँ ऊपर मिलेगा क्यूशू तो भूलिएगा नहीं ठीक है और ये बड़े फेमस रीजन हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और ये सब कहानी तो साउथ कोरिया सियोल और ये सब याद रखिएगा भूलना मत चलो ये हो गया अपना तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को याद रखना है एक प्योंगयांग है और एक सियोल है लैंडलॉक कंट्री कौन सी पड़ी थी अपन ने अब तक लैंडलॉक कंट्री कौन सी पड़ी थी अब तक हमने लाओस पढ़ ली थी वेरी गुड तैयार हो जाइए अगली लैंडलॉक कंट्री में जी। अगली लैंडलॉक कंट्री तैयार हो जाइए कौन सी सर मंगोलिया यह है अपना मंगोलिया का याद रखना कैपिटल बताएंगे जरा जल्दी से सब लोग फटाफट तेजी में उलान बटोर ठीक है उलान बटोर याद रखना भूलना नहीं है बट समझदारी ये कहती है कि आप मुझे बताओ कि कितने देशों से लैंडलॉक है लैंडलॉक भी यदि है तो कितने देशों से आपको कोई बताना है तो एक प्लेन लर्नर जो बिल्कुल सीधा सीधा देखेगा उसको तो अरे सर जी चाइना रशिया और ये आपका क्या है कजाकिस्तान बट थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं ये अपने आप में एक स्टेटमेंट भी आ सकता है एग्जाम में करीब-करीब 100 किलोमीटर के आसपास का ये डिफरेंस है ठीक है याद रखना भूलना मत सो so, जब भी वो कहीं आपसे पूछ ले कि जो है बताइए इसका क्या पैटर्न है आपका ये पूरा मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच में तो ये याद रखना भूलना मत ठीक है चलिए तो फाइनली रशिया और चाइना बाउंड्री शेयर करेगा मंगोलिया उलान बटोर क्या टोक्यो बट? टोकियो किस आइलैंड का पार्ट रहेगा है ना ऐसे ऐसी चीजें यहाँ करनी अब क्या करना है अपने को ध्यान से सुनिए। अब ये तो जापान हो गया ये आपका ये उधर कोरिया और ऊपर रशिया है ये देखो ये जापान हो गया ऊपर का ये जो रीजन है ये रशिया वाला है ना रशिया बेल्ट है रशिया के कुछ प्लेसेस कुछ आइलैंड बड़े काम के हैं सर देखो एक ये शखलिन आइलैंड रशिया का देखना आपको मिलेगा शकलिन आइलैंड काम का है सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शकलिन आइलैंड किसका है या, या किस कंट्री के उसमें आता है तो शक्लिन आइलैंड याद रखना ओखोटस सी जो दिखाई दे रहा है ना उसके पास और उसके ऊपर देखोगे तो शकलिन आइलैंड के नॉर्थ में आपको एक पेनिनसुला भी दिखाई देगा एंड दैट इज कामचाटका पेनिनसुला think मेरे पास कहीं मैप और हो तो मैं दिखाऊं ये देखो ये इसमें देखिए दिस इज शकलिन आइलैंड दिस इज कामचाट का पेनिनसुला इसको कर देता हूं मैं ज़ूम डोंट वरी चिंता मत करो ये एक एक कामचाट का पेनिनसुला ये दिखाई दे रहा है और एक ये शकलिन आइलैंड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है जी हां भूलना नहीं अपने आप में तो कभी वो कह दे कि काम का कामचाटका आइलैंड, इज रिलेटेड विद डन चलो तो यहां तक जो है याद रखिएगा भूलना मत, यहां तक कहानी अपने को क्लियर हो गई है द नेक्स्ट पैटर्न थोड़ा सा आई थिंक याद हो आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या समझाया था कि आप एशिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वन टू थ्री और फोर ठीक है बिल्कुल चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग अब इन चार पार्ट्स में से इनडायरेक्टली हमारे कितने कवर हो गए हैं दो हो गए पहला और दूसरा अपना ठीक है जी दी हां अब हम शुरू करने वाले हैं तीसरा वाला पॉइंट तीसरा मतलब ये पूरा स्थान वाला तो अपनी नजरें जो है वहीं पर ले जानी है ये वाले पूरे हिस्से में ठीक है चलो आगे चलते हैं तो अब इसको याद करना कैसे करेंगे अपन तो ध्यान से सुनिएगा कुछ मत करिए बड़े अजीब से जो है वर्ड्स हैं, हैं वहां पे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान दुर्गमनिस्तान ठीक है बिल्कुल तो इन सबको कैसे याद करेंगे तो कुछ मत करो आप मैं जो कह रहा हूँ उन पैटर्न पे चलिए आप तीसरा चौथा आपको कुछ नहीं करना है दो के वर्ड याद रखना है दो टी वर्ड याद रखना है और एक यू वर्ड को याद रख लेना ठीक है क्या बोला मैंने दो के वर्ड याद रखेंगे दो टी वर्ड याद रखेंगे एक यू वर्ड याद रखना ठीक है आ गई बात समझ में जी हाँ तो कहने का मतलब क्या इधर ध्यान देना ठीक है इधर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज इधर देखेंगे सब लोग कि दो के वर्ड याद रखेंगे आप दो के वर्ड याद रखेंगे मैं जूम कर देता हूँ क्या देख पा रहे हैं दो के वर्ड एक कजाकिस्तान देख पा रहे होंगे आप लोग और एक किर्गिस्तान देख पा रहे होंगे दो के ठीक है इसके बाद में दो टी देख पा रहे होंगे आप दो टी कौन से तुर्कमेनिस्तान और आप देख पा रहे होंगे तजगिस्तान तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान ठीक है इसके बाद आपको एक दिखाई देगा वो यू एंड दैट इज़ उजबेकिस्तान ठीक है चलो बहुत बढ़िया यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको क्या कह रहा हूँ मैं ध्यान से सुनिएगा ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ मैं दो के दो टी और एक यू कजाकिस्तान किरगिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान उजबेगिस्तान ठीक है डन पहले तो आप पहले तो जो है आपको ये बातें पढ़नी पड़ेंगी कि ये कंट्रीज कौन सी नाम ही फैमिलियर हो जाए पहला काम तो तो भी अपना काम हो जाएगा सर आ गई बात सुन यहां तक कोई दिक्कत जी हाँ तो अब तो सर यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया हमें नाम एटलीस्ट समझ में आ कि यहां दो के है मतलब किर्गिस्तान कजाकिस्तान दो टी मतलब तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान एक यू मतलब बाकी तो जो दो हैं कौन दो हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है ये कोई नई चीज नहीं है सपने में आ जाते हैं जी हाँ शुरू करते हैं कजाकिस्तान की राजधानी बताएंगे आप मुझे कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना नहीं पढ़ना है अपने को नूर सुल्तान उसका नाम बदल चुका है तो नूर सुल्तान आप याद रख लेना ठीक है बिल्कुल तो नूर सुल्तान जो है अपने को सुल्तान जो है अपने को याद रखना है दैट इज इन कजाकिस्तान दूसरी बात ये तो कहानी अपनी हो गई समझ में कजाकिस्तान का एक क्वेश्चन अच्छे से और कर लेना दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है ये अब बड़ी लैंडलॉक कंट्री में लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ लर्नर्स को ऐसा लगता है कि सर ऐसे कैसे लैंड लॉक हो गई लैंड से तो ये कनेक्टेड ही नहीं है लैंड से कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब क्या कि ये तो वाटर बॉडी से लगी हुई है कैसपियन सी से लगी हुई है लेकिन ध्यान दें वो भी अपने आप में कनेक्टेड है लैंड मास से वो भी ओपन है मतलब ऐसे लर्नर जिनको नहीं पता है लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिससे आप डायरेक्ट किसी ओशन में ना जा पाओ जी हाँ इस बात को आपको ध्यान रखना मतलब ये हुआ कि कजाकिस्तान भी अपने आप में क्या रहेगा एक लैंड लॉक रहेगा जी हाँ सर लैंड लॉक रहेगा इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री को यहाँ आपसे कह दे तो याद रखिएगा दैट इज़ कजाकिस्तान आंसर इज़ बिल्कुल और उसके बाद में उसकी कैपिटल आप याद रखेंगे कि उसकी कैपिटल जो होगी वो नूर सुल्तान होगी ठीक है डन ओके सर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक देश और दिखाई देगा कजाकिस्तान के बाद में किर्गिस्तान कैपिटल देखो उसकी बिश्केक दिखाई देगी बिश्केक बिश्केक को देखना है आपको बिश्केक जरा देखोगे ध्यान से जी हाँ सर तो आपको उसकी कैपिटल दिखाई देगी किर्गिस्तान की एंड दैट इज बिश्केक देख पा रहे हो कि नहीं दिख रही है जी हाँ सर बिल्कुल दिख जाएगी तो किर्गिस्तान जो होगा वो होगा बिश्केक वाला पैटर्न ओके सर ठीक है आगे बढ़ते हैं किर्गिस्तान बिश्केक का हो जाए अब दो बज गए देखो अब इधर देखना कजाक और किर्गिस्तान केक कट गया यहाँ यहां तो सर हो गया ही। और कजाकिस्तान में नूर सुल्तान ठीक है दो केके का कनेक्शन हो गया नूर सुल्तान का केक ऐसे याद रख लेना ठीक दूसरी चीज अब आएगा आपका एक तुर्कमेनिस्तान और एक ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तुर्क को जब भी आप देखते हो ना तो आपको ऐसे घोड़े अश्व हॉर्सेज याद आते हैं अश्व कहते हैं ना घोड़ों को गोड़। अशगावत करके देखो उसकी कैपिटल दिखाई देगी आप लोग तुर्क मिनिस्तान तुर्क को देख के अश्व याद आते हैं तुर्कमेनिस्तान अशगावत ठीक है भूलिएगा नहीं दूसरी चीज एक और मिलेगा आपको ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान का दुशानबे ताज ताज तजिक मतलब ताजमहल को दुश्मनों ने लूट लिया है दुशानबे जब कुछ इस तरह से पैटर्न आप अपनाओगे तब जाके भूलोगे नहीं आप नहीं तो बहुत आसान होता है इनकी कैपिटल्स को भूलना याद नहीं होते हैं और जिस दिन मान लो ऐसा कि क्वेश्चन बना दिया कि उसने कह दिया कि ये किर्गिस्तान लिखा है ये तजगिस्तान लिखा है ये तुर्कमेनिस्तान लिखा है ये उज्बेकिस्तान लिखा है और इनकी आपको कैपिटल बनानी है तो हो सकता है जीवन जो है कठिन हो जाए याद रखना है किर्गिस्तान बिश्केक वाली कहानी ताजिकिस्तान को ताजमहल को दुश्मनों ने लूट लिया दुशानबे तुर्कमेस्तान अश्व अशगावत और उज़्बेकिस्तान ताशकन अगले एक जो आपको लास्ट दिखाई देगा उज्बेकस्तान कैपिटलिस्ट ताशकन जी हाँ सर आगे बात सुन इनको थोड़ा सा जो है अच्छे से समझ लीजिएगा नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं तो इसका तरीका मैंने आपसे कह दिया है कि एटलीस्ट तीन चार जो आ, कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको पैटर्न लगेगा तो एटलीस्ट पूरे तो नहीं तो तीन चार का तो याद करो तो एलिमिनेशन हो जाए तो आई थिंक ताजिकिस्तान सुन के और तुर्कमेनिस्तान सुन के तो अब आप, आप लोग बिल्कुल चीज़ों को बड़े आराम से समझ सकते हैं ओके okay. ठीक है सर अब आगे चलते हैं उज्बेकिस्तान की करा ज़रा कुछ ख़ास बात दिखाई दे रही है आपको तो ज़रा देख लो आप उज्बेकिस्तान को ज़रा देखो अंडरलाइन कर दूँ मैं ज़रा लैंडलॉक है क्या हाँ जी सर लैंड लॉक तो दिखाई दे रही है तो अब क्या करें सर इसका खास बात है इसकी लैंडलॉक तो है लेकिन ये भी लैंडलॉक ऐसी कंट्री से लैंड लॉक है जो खुद भी लैंड लॉक हो फील करें जो मैं कह रहा हूं क्या बोला मैंने आपसे ये वो देश है जो लैंडलॉक तो है बट लैंडलॉक ऐसे देशों से लैंड लॉक है जो खुद भी लैंडलॉक है क्या लैंडलॉक कंट्री विच इज लैंडलॉक्ड बाय लैंडलॉक कंट्रीज इट मीनस दैट इट इज़ डबल लैंडलॉक कंट्री डबल हो गया ये जी हाँ तो दुनिया में सिर्फ दो डबल लैंडलॉक कंट्रीज है एक यूरोपियन नेशंस में हम लिंच पढ़ चुके हैं और एक सेकंड दुनिया में मिलेगी एंड दैट इज़ उजबेकिस्तान जब इतना इम्पोर्टेंट उज्बेकिस्तान का फैक्ट है तो इसका मतलब यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उज्बेकिस्तान से कौन कौन से देश जो है वो टच करते हैं सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का कि उज्बेकिस्तान से टच करने वाले कौन कौन से देश हैं तो सभी स्थान करेंगे सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के ऐसा याद कर लो क्या बोला सर ने सर ने यह बोला उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उज्बेकिस्तान में सभी स्थान कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान को छोड़ के इसका मतलब उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से भी बाउंड्री शेयर करेगा अफगानिस्तान से भी करेगा तजिकिस्तान से भी करेगा किर्गिस्तान से भी करेगा और कजाकिस्तान से भी करेगा सबके साथ करेगा किससे नहीं करेगा तो पाकिस्तान इसका मतलब कभी कंफ्यूजन आ जाए तो इसके अलावा भी कुछ नहीं है कभी कंफ्यूजन खड़ा कर दे कि ईरान इराक टच करते हैं तो भी बिल्कुल नहीं होगा मैं बात कर रहा हूँ उज्बेकिस्तान की तुर्कमेनिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में फिर ईरान टच होने लगेगा ठीक है नॉट लग्जम्बर्ग लंच था जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में आपको मिलेगा अब हम लड़ाई करेंगे कि सर किर्गिस्तान भी तो डबल लैंड लॉक कंट्री है पर थोड़ी सी तेज वाली बुद्धि लगाएंगे तब आप देखेंगे कि किर्गिस्तान भी चाइना से बाउंड्री शेयर करता है और चाइना अपने आप में लैंड लॉक नहीं है तो ये बात सच नहीं होती है ठीक है तो इन बातों में थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि उन्हें मालूम है वही लर्नर्स इनको ज़्यादा थोड़ा देख पाते हैं जिन्होंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो मैं तो ही कन्वर्ट हो पाते हैं क्वेश्चन नहीं तो फिर जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं हो उसके लिए तो हर चीज बराबर है क्या पाने की इच्छा और क्या खोने का डर जी हाँ तो ये तो आपको जो है समझ में आ ही गया होगा अब गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डबल कैसे तो डबल मतलब ये कि जिस जो कि लैंडलॉक हो लैंडलॉक देशों से खुद भी लैंडलॉक

आपसे कह दिया लाओस आपसे कह दिया मंगोलिया आपसे कह दिया उसने तुर्कमेनिस्तान आपसे कह दिया अफगानिस्तान आपसे कह दिया पाकिस्तान सब पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा लैंडलॉक नहीं है ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग सर जी वियतनाम और पाकिस्तान अपने आप में लैंडलॉक नहीं है यही तो पढ़ा हमने अभी कजाकिस्तान इज नॉट डबल लैंडलॉक क्योंकि इसके साथ चाइना टच कर रहा है और चाइना खुद अपने आप में लैंडलॉक लॉक का है देख पा रहे होंगे आप लोग ठीक है डन चलिए यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं अपन नेक्स्ट अगला देश आपको मिलेगा ईरान ईरान देख पा रहे होंगे सब लोग जी हाँ सर कैपिटल क्या है ईरान की कौन बताएगा मुझे ईरान की कैपिटल आप देख पा रहे होंगे ईरान की कैपिटल कौन बताएगा मुझे जी हाँ सर ईरान की कैपिटल आप लोग जो है मुझे बताएंगे जो परसिया बोलते थे जिसको हम पर्शियन पर्शियन रीजन सो so, ईरान की कैपिटल है सर तेहरान बिल्कुल वेरी गुड और तेहरान के साथ साथ आपको कुछ एक चीज़ें और भी याद रखनी है एंड दैट इज़ आपको कुछ पोर्ट याद रखना है और इनफैक्ट न्यूज़ में थे भी ये पोर्ट्स आपको याद होगा आपने सुना होगा यहाँ पर एक चाबहार पोर्ट जो है न्यूज़ में होगा चाबहार पोर्ट ईरान का बिल्कुल और इसके बाद एक बंदर अब्बास लिखा होगा बंदर अब्बास करके देखो चेक करो मिल जाएगा अपनी एटलस में जरा आप जाएंगे तो बंदर अब्बास भी दिखाई देगा चाबाह पोर्ट ना मिले तो कोई बात नहीं इतना तो वैसे भी पता होगा करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे होंगे आप बट जो ना पढ़ा हो वो भी पढ़ लो क्योंकि उन्हें मालूम है एग्ज़ाम में कि लर्नर सब चाबहार पढ़ें लेकिन उसका पड़ोस का शायद ना पढ़ा हो पड़ोस का भी याद रख लो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सही हो जाएगी आपकी आपकी और हो जाएगी आंसर को सही करने की ठीक है चलिए सर चाबहार पोर्ट की लोकेशन दिखा देते बता रहा हूँ भैया दो मिनट रुकीयेगा ज़रा ये है हाँ ये आपको यहाँ पर मिलेगा बंदर अब्बास और उसके ईस्ट में आपको चावाहर पोर्ट मिलेगा जरा देख लो जल्दी से बंदर अब्बास मिलेगा आपको एक प्लेस काफी महत्वपूर्ण प्लेस है अपने आप में इसको अपने को याद रख लेना है ठीक है तो ये हो गया बंदर अब्बास अभी तो इसको आप इतना ही पढ़ो क्योंकि अच्छा एक प्लेस और पढ़ लो लिख लो वहाँ जहेदन भी लिखी लो जो है आप जहेदन प्लेस को लिख लो आप एक्चुअल में क्या दो प्लेसेस हैं एक जहेदन और एक जरंज यहाँ पे वो हाईवे बन रहा था जरंज और जहेदन जरंज इज इन अफगानिस्तान एंड जहेदन इज इन ईरान इस बारे क्षेत्र में आपको दिखाई जहेदन जरंज भी आप पढ़ सकते हैं ठीक है ईरान और ये पैटर्न याद रखें चलो वापस चलते हैं ज़रा जल्दी से इधर देखेंगे सब लोग फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कहानी मैंने कहाँ से शुरू की थी किसी को पता है क्या जी हाँ सर कहानी आपने शुरू की थी आज इंडोनेशिया से सुमांत्रा पढ़ा था हम लोगों ने जकार्ता जावा बाली बोर्नियो एंड सेलिबिस ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड रीजन्स पढ़े थे हमने सुमांत्रा जकार्ता जावा बाली सेलिबिस बोर्नियो कोई दिक्कत यहाँ तक बता दिया था मैंने कैपिटल शिफ्ट हो रही है उसके बाद एक चीज और बताई थी मैंने काम की इसमें क्या कि जो मलेशिया है अगला देश जिसकी कैपिटल आप आपकमपुर पढ़ रहे हो वो वेस्ट मलेशिया का पार्ट था सिंगापुर जो जोहर स्टेट से अलग हुआ है वो भी वेस्ट मलेशिया के नज़दीक है ठीक है और इधर ब्रुनई जो है बंदर सेरी बेगावन के आसपास आपको देखने को मिलेगा ठीक है थोड़ा सा पाँच मिनट लगेगा रिविजन कर लेते हैं। नहीं तो आगे जो पढ़ते तो चले जाएंगे पीछे का सब भूलते जाएंगे ठीक है चलिए तो ये होने के बाद फिलिपींस मनीला यहाँ तक आपको समझ में आ गया बोर्नियो के साथ कनेक्टेड है ये और कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रुनेई इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री विथ इंडोनेशिया तो नहीं ब्रुनेई एक्चुअल में बाउंड्री जो शेयर कर रहा है उसके साथ कर रहा है मलेशिया के साथ कर रहा है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है इसके बारे में आप जैसे ही आप इधर आओगे तो आपको सेंट्रल ये लैंड लॉक कंट्री दिखाई देगी लाओस मैंने आपको बताया वियतनाम से कनेक्टेड है वियतनाम कैपिटल हनोई है इधर एक कंबोडिया दिखाई देगा आपको कैपिटल नोम पे है और थाईलैंड बताया मैंने बैंकॉक लाओस की खुद की कैपिटल याद रख लेना है लिख लो भैया सब लोग अच्छे से ठीक है नितिन विश्वकर्मा प्रियांशी अभिलाष प्रियंका नैन्सी दीपिका मनोज तन्वी भारती अनु शिवांशी नितिन सोलंकी सुलेखा मोहित कृष्णा ठीक है इनको पढ़ लेना है रिया जितने लर्नर्स भी कमेंट में आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सो तो याद रखना है भूलना नहीं है इनको तो आ रहा है सबको समझ में जितने लर्नर बैठे हो यस नो मनोज सोमेन गौतम मोहित शिवांशी नितिन सोलंकी सौरभ कनिका जी हाँ काजल सौम्या प्रतीक नितिन विश्वकर्मा राहुल खंडेलवाल सुष्मिता जितेंद्र सचिन उज्जवल मोहित काफ़ी लर्नर्स बैठे हैं जी हाँ सिमरन कृष्णा वैशाली जॉर्ज फिलिप गौरव विश्वजीत तो जितने भी हैं आप लर्नर्स पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए चीज़ चीज़ें याद हो जानी चाहिए कल पूछूंगा मैं अगली क्लास में तो ये है लाओस और ये कहानी अपने को याद रख लेना है थाईलैंड बर्मा हनोई वाली कहानी ठीक है भूलना नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो और एक कन्फ्यूज़न एक और मैं बता चुका हूँ वियतनाम और वियंतीयन में डिफरेंस है ठीक है फिलीपींस का कैपिटल मनीला आइलैंड क्या था लुजोन इधर ताइवान ताइपे की कहानी ठीक है इसके बाद मैंने आपको जापान की कहानी बताई थी बिल्कुल जापान की कहानी में हम लोगों ने क्या देखा था जापान की कहानी में हम लोगों ने देखा था क्या जल्दी बताओ बहुत सारी चीज़ें कि नगोया ओसाका हिरोशिमा टोक्यो ये सब हन्शू के पार्ट हैं और क्यूशू में आपको मिलेगा हिरोशिमा सबसे छोटा शिकोकू आइलैंड सबसे नॉर्थ में होकयडू आइलैंड ठीक है जी हाँ बिल्कुल तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे भूलना नहीं है आगे जो है फिर हम लोग कहाँ चले गए ये होने के बाद मंगोलिया पे बात कही उलान बटोर पे याद करना है और मंगोलिया में याद रखना है कि ये जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है किसके साथ इधर कजाकिस्तान के साथ इधर आपका प्योंगयांग मतलब नॉर्थ कोरिया एज़ फॉर साउथ कोरिया एज फॉर सियोल ऐसे याद रख लेना क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं हम कि सियोल किसकी कैपिटल होगी ये किसकी होगी ठीक है फिर इधर डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सी बताई मैंने उज़्बेकिस्तान कैपिटल ताशकंद इनके याद रखने के तरीके कजाकिस्तान का कनेक्शन किससे होगा अपना जिसको हम लोग कह रहे थे नूर सुल्तान ठीक है तुर्कमेनिस्तान अजगाबत और इधर आपका ताज ताज महल दुशानबे किर्गिस्तान बिस्केक इस तरह से इन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा नेक्स्ट ईरान पढ़ाया अभी ईरान में इरा जो आपका तेहरान इज द कैपिटल एक चाबहार पोर्ट याद रखना एक बंदर अब्बास को याद रख लीजिएगा ठीक है दूसरी चीज पाकिस्तान लैंड लॉक नहीं है डबल लैंड लॉक उजबेगिस्तान से, से पाकिस्तान को छोड़ के सब कनेक्ट हो रही है इन बातों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगली जो है कंट्री ईरान के बाद जरा आप इधर साउथ की तरफ आएंगे तो आपको एक कंट्री दिखाई देगी इन दैट इज सऊदी अरब देखो जरा मिलेगी सऊदी अरब सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको रियाद दिखाई दे रहा होगा अब देखो ध्यान से मक्का मडीना प्लेसेस सऊदी अरब के फेमस हैं ठीक है पिलिग्रमेज साइट्स हैं ठीक है लेकिन उसके लिए क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि लोग यदि वहाँ सी रूट से जाएंगे तो कौन से पोर्ट का यूज़ करेंगे ऐसा पोर्ट जो कि रेड सी की तरफ हो दैट इज़ जद्दाह बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है जद्दा पोर्ट जो रेड सी की ओर है कभी तो एग्ज़ाम में आ जाए कि जद्दा पोर्ट जद्दा पोर्ट जो होगा आपका उसका द कॉलम आप किसके साथ करेंगे तो जद्दा पोर्ट का जो द कॉलम होगा वो सऊदी अरब के साथ होगा कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो जद्दा पोर्ट है ये किस सी से फेसिंग साइड है इसका मतलब कहां पर किस सागर का हिस्सा है कौन से सागर का हिस्सा है तो रेड सी को याद रखना ठीक है भूलना नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज एक नीचे कंट्री दिखाई देगी आपको सऊदी अरब के बाद यमन यमन द कैपिटल इज साना और यही वो रीजन है जहाँ से अफ्रीका से आप अलग होते हो बाबल मंडे स्ट्रेट के पास से एक पोर्ट होगा यमन का आई थिंक सबको पता है एडन नहीं हो तो ज़रा आ, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर ये लोकेशन के पास आप देखना एडन एक रिफ्यूलिंग स्टेशन है ये लोगों के शप्स में रिफ्यूलिंग यहीं पर से होती है ठीक है सो so, कोई बोले एडन पोर्ट किसका है तो मैच द कॉलम यमन के साथ करिएगा और सऊदी अरब मतलब जेद्दा की बात करें तो सऊदी अरब के साथ करना ठीक है भूलना मत वहाँ पर बावल मंडल मतलब हम अफ्रीका के साथ यदि किसी स्टेट से अलग हो रहे हैं मतलब किसी स्ट्रेट से किसी जलसंदी से अलग हो रहे हैं तो वो रीजन आपका यमन रहेगा ठीक है इसके बाद ओमान में आ जाओ ओमान की कैपिटल क्या, क्या याद रखनी अच्छा एक चीज़ और है प्लीज़ सब लोग ध्यान देंगे यमन के नीचे एक आइलैंड और दिखाई देगा ये वाला जिसका नाम मैं लिख देता हूँ सोकोत्रा आइलैंड करके लिखा होगा तो कभी एग्जाम में आ सकता है कि सोकोत्रा आइलैंड किसका है सोकोत्रा आइलैंड किस कंट्री का है तो याद रखना यमन की बात हो रही है यमन का कैपिटल याद रखना साना ठीक है ईरान की कैपिटल क्या होगी ईरान कैपिटल क्या करोगे तहरान करोगे ना चलो तो इसको याद रखना उसके बाद में जो है आ, इराक अभी पढ़ा नहीं है अभी पढ़ेंगे हम लोग उसको लेकिन ये याद रखेंगे ये मन वाली कहानी और सऊदी अरब अगली देश देखो अगला देश ओमान ओमान में जाओगे तो ओमान में आपको मिलेगा मस्कट द कैपिटल इज मस्कट ध्यान रखेंगे मस्कट कैपिटल है इसका ओमान का ठीक है और इसके बाद जी हाँ बिल्कुल ये यहाँ की बात कर रहा हूं मैं ये जो रीजन है ये अपने आप में ओमान का कैपिटल जो याद रखना मस्कट चलिए इसके बाद के इन्फॉर्मेशन आप जरा इनको यहीं देख लेते हैं हम क्योंकि आगे भीड़ बढ़ने वाली है और थोड़ा सा जो है अगली क्लास जब शुरू होगी तो इनकी शुरुआत यहीं से करेंगे तो यहाँ की अच्छे से याद हो जाएंगी ठीक है तो अगली क्लास में यहाँ से मैं शुरू करूँगा पहले पूछूंगा पुराना फिर यहाँ से शुरू करके फिर हम फिजियोग्राफी पे आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगी टीटीएस वाले पैटर्न पे और डेली साढ़े बारह बजे आप जो है मुझे मिल सकते हैं साढ़े बारह बजे है ना जहाँ पर हम लोग अन पर पढ़ ही रहे हैं और थैंक यू सो मच अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं ये एक बेहतरीन मौका है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ घर बैठे पढ़ना कोई बाहर नहीं जाना कोई बड़े शहर नहीं जाना कोई ख़र्चा नहीं करना बढ़िया घर बैठ के बेस्ट लर्निंग लेनी है और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है अपने को बढ़िया सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने सिलेबस को समय से कंप्लीट करें मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो ज़रूर ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके सीधा टेन परसेंट ऑफ ले सकते हैं आप दिस इज़ सुदर्शन से जो बना एस यू डी वाई टी टेन इट्स नॉट स्टडी ठीक है जी हाँ सो वाई टी टेन का इस्तेमाल करके आप सीधा टेन परसेंट ऑफ ले सकते हैं बिल्कुल सो थैंक यू सो मच जी हाँ और कोई भी डाउट हो रिलेटेड विद प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन आस्क मी जी हाँ चलिए सो और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नॉर्थ कोरिया जी हाँ चेक करने मिल जाएंगे आपको बिल्कुल रिवर्स की क्लास में ले लूँगा इनफैक्ट काफ़ी बार लिया है मैंने तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा देख लिया है मैंने मैसेज चलिए थैंक यू सुप्रिया काजल आयुषी उर्मिला रुचि करिश्मा सुरेश सोमुल रोहित लंचस्टन बताई थी एम स्क्वायर मैंने डबल लैंड लॉक बफर बोल दो बीच की कंट्री है मैं आपने ठीक है माउंटेन पैटर्न हो सकता है और अब चेक कर लीजिएगा उसको ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच मॉस्को मॉस्को यूरोप में जाना पड़ेगा कैपिटल पढ़ने उसकी रशिया की वियतनाम हनोई वियतनाम हनोई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ पर कन्वर्जेंस हुआ है कमलजीत कौर वोल्केनिज्म दिखता है वहाँ पे जी हाँ जो भी होगा मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी क्लास है ना मतलब सुदर्शन गुर्जर सी एस गाइड करके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चलिए ठीक है मंगोलिया कजाकिस्तान टच नहीं करेगा ठीक है किर्गिस्तान भी लैंडलॉक है बताया है मैंने चलिए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड यूज़ दिस कोड फॉर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन समझ में आता है मेरे पढ़ाना आपको तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें बाकी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ हम लोग जो है बढ़िया से पढ़ने वाले हैं इसी तरह से ठीक है और ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तीन नए बैचेस ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ जुलाई से शुरू हो रहे हैं ठीक है जी हाँ और इन बैचेस के अलावा भी यदि आपको पुराने नए अपकमिंग कोई भी बैच ज्वाइन करना आप कर सकते हैं बैच के अकॉर्डिंग या तो आपको इंडिविजुअल एजुकेटर से भी पढ़ना है तो भी आपके पास आप पढ़ सकते हैं सब ऑप्शन से पढ़ने के लिए टेस्ट सीरीज प्री मेन्स सबकी अवेलेबिलिटी रहेगी यहाँ पर प्रॉपर आपको लर्निंग मिल जाएगी सो थैंक यू सो मच और इस डिस्काउंट कोड से आपको सीधा टेन परसेंट ऑफ मिल ही जाएगा मिलते हैं